ओके तो ये वीडियो स्पेशली इस बार स्कॉलरशिप के लिए डेडिकेटेड है। तो जो लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी स्पेशल करके बीएड या बीटीसी कर रहे हैं और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं हूँ लवकुश और आप देख रहे हैं लवकुशयादवव्लॉग्स। तो सभी लोग सबसे पहले अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि समाज कल्याण ने अधिकतर फॉर्म में रिजेक्ट मार दिया है सभी फॉर्म को। तो सबसे पहले जाके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो आप स्टेटस चेक करें और देखें कि स्टेटस में आपके क्या प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चों के फॉर्म हैं कि उनके सब कुछ सही है, जैसे कि आप मान लीजिए ट्वेल्थ किए हैं यूपी बोर्ड से और अब बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपके स्टेटस पर लिखकर ये रिजेक्ट कर दिया गया है आपका फॉर्म कि आपका एनरोलमेंट नंबर यूपी बोर्ड से, आईएससी बोर्ड से मैच नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि रिजेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, कि किसी तरह से उनको स्कॉलरशिप ना देना पड़े या जो कुछ भी है, ठीक है। सच सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि सभी लोग पहले अपना स्टेटस चेक करा लें स्कॉलरशिप का। अब बात आती है कि चेक कैसे करेंगे। पहली चीज़ बताते चलें, वीडियो के अंत तक बने रहें ज़रूर और पूरी वीडियो सावधानी से देखें जिससे सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएं। अब आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आप स्टूडेंट लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप वहाँ से कर लीजिए, अन्यथा जहाँ पे आप फॉर्म भराए हैं उनसे कांटेक्ट करके पासवर्ड मांग लीजिए या उनसे ही कह दीजिए कि आप हमारा स्टेटस चेक करके बता दीजिए क्या दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपके स्टेटस में सब कुछ सही बता रहा है तब तो ठीक है। अगर गलत है तो क्या गलत हो सकता है, किस तरह के आपके रीजन्स आ रहे हैं जो गलत हैं, वो मैं पहले बता दूँ कि आप जिससे समझ जाएँ कि आपके फॉर्म में क्या समस्या है। अगर आपके फॉर्म में ये लिखा है कि आपका एनरोलमेंट नंबर और जो परसेंटेज है या मार्क्स से नहीं मैच कर रहा है, तो आपको पिछले साल की मार्क्सशीट लगानी है, ठीक है। वो रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर कुछ मिसमैच करके वो रिजेक्ट कर दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं, सब मैच कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी डाटा से आपका स्कॉलरशिप का मैच नहीं हो रहा, एक समस्या ये है। और सबसे मेन समस्या ये है, इस बार बता दें कि सभी लोग, जितने भी लोग अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किए हैं, सभी लोग अपने बैंक में आधार जरूर ऐड कर लें, क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट पेमेंट करने वाली है वो आधार बेस्ड कर रही है। पहले पेमेंट आपके आधार में जाएगा, आधार से फिर वैसे, मतलब जैसा भी करें, वो लिंक कुछ किए हैं अकाउंट में पेमेंट नहीं दे रहे हैं, जिस आधार से अगर आपका अकाउंट लिंक है तो आधार से जाएगा, नहीं तो वहीं पेंडिंग पीएफएस में दिखा देगा। तो सबसे पहली चीज़ तो अपना, अपने बैंक में जिस भी बैंक का अकाउंट आप लगाएं स्कॉलरशिप में, वहाँ पर अपना आधार कार्ड ऐड जरूर करा लें। दूसरी चीज़, अब कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं, कुछ लोगों का ये दिखा रहा है कि परसेंटेज जो है वो 33% से कम है, जबकि आपने सही सही फॉर्म भी भरा है और आप पास भी हैं 60%, 62%, 55% जो भी है आपका रिजल्ट है, लेकिन उसमें रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका जो ऑप्टेन मार्क्स है वो 33% से कम है। उसके लिए भी आप एक साल पुरानी मार्कशीट का, मतलब पिछले ईयर के मार्कशीट का रिकॉर्ड आप लगाएं। अब बात आती है ये सब करेक्शन का, क्या करें, कहाँ लगाएं, कहाँ सही करें, कैसे करें। अगर आपके स्टेटस में कोई भी समस्या है तो आप अपना स्टेटस रिपोर्ट निकालिए, ठीक है। उसके बाद जो भी उसमें दिक्कत आ रही है उससे संबंधित उसमें कागज़ लगाइए और उसको लेकर कॉलेज पर परेशान मत हो, क्योंकि कॉलेज वाले ऑलरेडी अपनी तरफ से एक बार समाज कल्याण डेटा भेज चुके हैं दोबारा से। फिर से आप लोग सीधा समाज कल्याण पहुँचें, वहाँ पर आप अपना समस्या बताएँ कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, जबकि हमारा सारा कुछ डॉक्यूमेंट सही है। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर कर लें और ये खास करके बीएड बीटीसी वाले बच्चे ज़रूर कर लें, क्योंकि जिनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो भी मिलती है उनका अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ग्रेजुएशन वालों का तो चलो ठीक है, 5,000-8,000 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीएड बीटीसी वाले इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दें और कोशिश करें कि आप इस चीज़ को ज़रूर करें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर स्कॉलरशिप संबंधित कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और फालतू के वीडियो ना देखें जिन पे लिखा हो कि स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या डेट बढ़ गई, अपडेट आ गया, ऐसा कुछ नहीं। अब कोई डेट वेट नहीं बढ़नी है, सारी डेट ख़त्म इस वर्ष। अब इस वर्ष कोई भी स्कॉलरशिप में नया आवेदन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग का जो आवेदन होना था हो चुका है, फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम चल रहा है, तो जिसका रिजेक्शन आ रहा है वो आप अपना सही कराइए स्टेटस के माध्यम से। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी पूरी। अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले जो भी आपके सवाल होंगे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा या ना करिएगा उससे कोई मैटर नहीं करता।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सी यू अगेन।